बदमाश हरामी, ये बदमाश हरामी कौन है? ये तो मोदी जी को बोलना चाहिए था। एमपी साहब का पुतला गांधी स्टैचू को सामने में जलाएंगे, और एमपी साहब कमरदार, आप बहुत आपका जो पावर को आप मिसयूज कर रहे हैं। नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं का नमस्कार, हम आज इमरजेंसी आप सभी को यहाँ पे कॉल किया कि ऐसा एक घटना घटा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, जहाँ पे हमारा इस द्वीप का एमपी महोदय द्वीप का सफ़र में है, और जिसमें दो तीन दिन 28 अगस्त इस महीना का 28 तारीख को उन्होंने जो हमारा प्रिय नेता राहुल जी को ऊपर में जिन्होंने घिनौना बात बोला है पूरा लोगों के बीच में, और ये पूरा सोशल मीडिया में ये चल रहा है, इसलिए उस बात को हम खंडन करते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं कि हमारे इस देश का एक पार्लियामेंट के एक सांसद इस तरह घिनौना बात करेगा, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी क्या है? कांग्रेस का सबसे प्रिय नेता है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसके संदर्भ पे इसी तरह हमारा दीप पुंज के जो एमपी महोदय बीजेपी के एमपी विष्णुपद राय ऐसा घिनौना बात करेगा, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ये एलजी के ऊपर में, सीएस के ऊपर में और कोई ऑफिसर के ऊपर में ऐसा ये बात करते करते आज हमारा प्रिय नेता राहुल जी के ऊपर में ये बात कहा कि राहुल जी को कहा है कि देखिए एक इंसिडेंट के ऊपर में कहा। क्यों कहाँ में इंसिडेंट हुआ? बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है वो पूरा टीवी में देखा, जैसा होता है हर देश में है, ये केवल बांग्लादेश का नहीं है, ये आप सऊदी में चले जाइए, आप इराक ईरान में आप जाइए, आप इसराइल में जाइए, आप रूस में जाइए, आप यूक्रेन में जाइए, हर जगह में एक विनाशकारी परिस्थिति इस दुनिया के अंदर में है। लेकिन कोई किसी को अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार इतना छोटा हमारा जगह है, जैसा एक फूलों का माला है, रंग बिरंगी फूलों से सजाया हुआ जगह है, वो जगह को जो है आप हिंदू मुस्लिम करके आप इसका माहौल को बिगाड़ने चाहता है, और उसमें हमारे प्रिय नेता राहुल जी का क्या दोष है? आपका हिंदू सम्राट, इस देश का हिंदू सम्राट मोदी जी हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, आप उसको ऊपर में आरोप नहीं लगा के बांग्लादेश से बातचीत करेगा? बांग्लादेश में जो आज अशांति फैला हुआ है वो चीज़ के लिए जिम्मेदार का राहुल गांधी है? वो चीज़ के लिए जिम्मेदार हमारा माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। उनको कुछ नहीं कहा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को कहा, और ऐसा कहा बदमाश हरामी। ये बदमाश हरामी कौन है? ये तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि वो बदमाश हरामी है, वो हिंदू का सम्राट होते हुए भी उसको कोई सेटलमेंट नहीं कर रहा है, ये मोदी जी को बोलना चाहिए था। लेकिन आज ये कैसा कह दिया कि हमारे राहुल जी के ऊपर में ये बात किया? ये आप सभी दीपवासी से हमारा अनुरोध है कि आप ये बात को सोचिए, ये दिल दिमाग से आप सोचिए कि हमारा इस द्वीप का जो है एकमात्र सांसद विष्णुपद राय जी क्या बोल रहा है, क्योंकि विष्णुपद राय जी आने के बाद आज 3-4 महीना से कोई द्वीप में कोई काम नहीं चल रहा है। उनका जो काम काज क्या है वो कुछ भी नहीं है, वो सारा चीज़ कोई ना ऑफिशियल कोई काम होता है ना धरती में कुछ काम होता है। अब बताइए आज इतना परिस्थिति अंडमान का ख़राब है, ATR रोड जो है हम लोग NH4 जो आज आप देख रहा है, आज उसके आने के बाद से कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, आज रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, आज ऐसा परिस्थिति चल रहा है अंडमान निकोबार में, उनका तरफ से कोई काम का सारा ठप पड़ा है। आप जाइए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में,
आप एक रजिस्ट्रेशन करा के बताइए स्टेशन का अंदर में, आप एक सब डिविजन करा के बताइए, आप हाउस साइड में कॉन्वर्सेशन करके बताइए, कोई चीज़ नहीं हो रहा है। द्वीप में कोई काम नहीं है, अभी हिंदू मुस्लिम करके घूमता है। इसलिए पार्टी के तरफ से हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जाता है इस चिट्ठी को लेकर। हम FIR लॉन्च करने के लिए हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो जाके दे के आएंगे। हमारा ये निवेदन है कि इनके ऊपर में FIR दर्ज हो। ऐसा घिनौना बात पर हमें चाहता है कि इनके ऊपर में NCFIR होना है। अगर ये नहीं होगा तो हम समझेंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी का बात सुन रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आज ये नहीं हुआ, आने वाला दिन में कांग्रेस की तरफ से आंदोलन शुरू होगा। इसलिए आज हमें कहते हैं हम कोई रिस्क नहीं लेंगे कोई कार्यकर्ता के ऊपर में, क्योंकि ये अनप सनप बात करके अगर कोई जगह में कोई कार्यकर्ता अगर कुछ कर दे MP के ऊपर में तो हम जिम्मेदारी नहीं है। हम बहुत समझाते हैं हमारे कार्यकर्ता को कि आप सबर सबर कीजिए, अब ऐसा कोई घिनौना बात या घिनौना काम आप मत करिए। लेकिन पर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अनुग्रह करता हूँ कि इस बात को आप जिम्मेदारी से ले और इसके ऊपर में हमारे MP महोदय के ऊपर में आप कार्रवाई करें। धन्यवाद। सबका नमस्कार। पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब इधर आया और ये अहम मुद्दा में हम लोग, हमारा प्रेसिडेंट जैसा बोला है कि हमारा माननीय संसद क्या अपना दिल में सोच कर रखा मालूम नहीं है। कोई मुसलमान जाता है काम कराने, वो बोलता आप मुसलमान हैं हम काम नहीं करेगा, आप बांग्लादेश में ऐसा हम लोगों को ये किया। अरे यार, आप अंडमान का संसद है, आप छोटा मोटा आदमी नहीं है, आप जीत के आया वाला इंसान है, सारा आदमी का आप MP है। आप खाली एक कम्युनिटी का MP नहीं है, आप खाली हिंदू का MP नहीं है, आप क्रिश्चियंस का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी, सबका MP है। आप हम लोग को मत लेके आइएगा। आप देखिए, आप 10 दिन के अंदर में आप जो कार्यक्रम कर रहा है OBC को लेकर, हम पहले भी बोला, अभी आप हमारा माननीय प्रिय नेता राहुल गांधी के बारे में आप क्या क्या शब्द यूज़ किया, आप एक संसद है, क्या शब्द यूज़ किया। आप माइक्रो इश्यूज में मत जाइए ना, अंडमान तो सफ़र कर रहा है। हम आपको इंटरव्यू में पहले भी बोला, हम बोला सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, वो उसमें सब आप ध्यान मत दे रहा है। आप छोटा छोटा चीज़ में इधर में कचरा पड़ा है, इधर में एक ये सब आपका काम नहीं है। उसके लिए काउंसलर लोग है, उसके लिए जिला परिषद मेंबर्स है, उसके लिए प्रधान से मेंबर, सब लोग अपना काम करेगा। आप अपना काम करिएगा और अंडमान एक बहुत बड़ा पीसफुल जगह है। ये जगह शांतिपूर्ण बहुत साल से है, क्योंकि हम लोग सबको भाई बहन मानता है, सबको भाई बहन मानता है। आज आप जो करने जा रहे हैं विष्णु दादा, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अगर अंडमान में कुछ ऐसा कुछ आगे लगेगा उसका जिम्मेदार आप है। इसलिए हम लोग ये FIR फाइल कर रहे हैं कि मतलब कम से कम पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले कि ये एक कम्युनल बात लेके आ रहा है। और अंडमान में कभी कम्युनल बात होने, पॉलिटिकल बात अलग है, सबका अपना अपना पॉलिटिकल विचार है, अपना अपना ये वो सब ठीक है, लेकिन आप कभी कम्युनल बात नहीं करना है। आप जाके जो जो आप जो एरिया में किया है बंगालीज, जो एरिया में आप जो बांग्लादेश के बारे में बात किया है, बहुत बड़ा गलती है, आप बहुत बड़ा गलती किया। कांग्रेस पार्टी अंडमान में इसको कंडन करता है। जैसा हमारा पार्टी प्रेसिडेंट बोला कि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे और MP साहब का पुतला जलाएंगे, MP साहब का पुतला गांधी स्टैचू के सामने में जलाएंगे। और MP साहब खबरदार, आप बहुत आपका जो पावर को आप मिसयूज़ कर रहे हैं,
आप एमपी बना, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अब एमपी बना, अंडमान का रक्षा के लिए सोचिएगा, अंडमान का रक्षा के लिए सोचिएगा आप। अंडमान को तोड़ने का काम मत करिए, ये पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं ताकि आप आगे जाके, आप देखिए एमपी साहब ने जीतने के बाद क्या बोला, निकोबारी भाई लोग हम आपको काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम आपको दारू दिया, आपको पैसा दिया, निकोबार गंतव्य में कैसा दारू लेके गया आप? एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एफआईआर फाइल करना भी, आप आपका एमपी का मुंह से स्टेटमेंट दे रहा है निकोबार में हम दारू दिया, आप कैसा दारू दिया? निकोबार एक प्रोहिबिटेड एरिया है। सेकंड बात है, आप पैसा दिया बोलता है, इसका मतलब आप वोटर्स को घूस दिया। इलेक्शन कमीशन को हम पहले भी बोला, हम लोग लिखित में दिया कि मतलब इसके ऊपर एक्शन होना। ये सब आप इतना लूज टॉक कर रहा है, इतना लूज टॉक कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत है। मेडिकल एग्जामिनेशन इमिडिएटली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो नॉर्मल आदमी की तरह बात नहीं कर रहा है, आप एक आप संसद का वो वैल्यू को आप खत्म कर रहे हैं। आप कैसा तीन बार एमपी बना, चौथा बार भी एमपी बन गया, अंडमान का ना एक बड़ा एक काला मार्क है। 20 साल एक आदमी को आप चुन के भेजा और ये काला मार्क को आप देखे क्या क्या बात कर रहे हैं। हम लोग पीसफुली रहता है एक फैमिली में, अंडमान में हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, हम दिखा सकता। एक एक शादी का कार्ड में देखिए, इन द नेम ऑफ अल्लाह एक साइड में, ओम गणेश नाम एक साइड में, कभी देख सकता कोई जगह में? इसको खराब मत करिएगा, आपका छोटा छोटा पॉलिटिकल गेन के लिए इसको खराब मत करिएगा। आज हम विष्णु पादरे दादा को हम मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप माफ़ी मांगिए। नहीं होने से कांग्रेस पार्टी सब जगह में ये बात बोलता कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त करेगा अंडमान में, करिए अगर आपका पास ताकत है, करिए, मेरे को बोला है बस कर जी कांग्रेस मुक्त अंडमान करेगा, करिए, आपका पास इतना ताकत करके दिखाइए। कांग्रेस पार्टी 140 साल टच करने वाला है, आपका तरह कल आया वाला पार्टी नहीं है। और हम लोग कैसा हमारा पार्टी को बचाना हम लोग को मालूम है। हम आपका माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और विष्णु दादा को रिक्वेस्ट करता कि आप प्लीज़ आपका स्टेटमेंट को आप वापस ले लीजिए और अपोलोजाइज करिए। धन्यवाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मीडिया के सभी मेरे बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग हमारे ऑफिस में आए। हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने ये फैसला किया है कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं उन्होंने बसंतीपुर में 28 तारीख को एक वक्तव्य दिया जिसमें हमारे प्रिय नेता राहुल जी के विषय में उन्होंने अनाप शनाप कहा। आप सोचिए हम ऐसे एक सांसद को चुन के भेजे हैं संसद में जिनका भाषा में अपना मर्यादा खो चुके हैं, उनको अपना भाषा और शैली के ऊपर में विचार करना चाहिए। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक सड़क छाप भी नहीं करता है। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, बहुत आहत हुआ ये वीडियो जो वायरल हुआ है हमारे राहुल जी जो आज देश भर में भ्रमण करके गरीब मजदूर किसान महिलाओं के साथ अपना आत्मीयता के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये देखकर हमारे बीजेपी के भाइयों को चैन नहीं आ रहा, पच नहीं रहा है उनको, और आए दिन राहुल जी के विषय में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे हमारे इन दीपों में आपको चुनकर भेजा है, आप देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, सड़क सुरक्षा हॉस्पिटल का है, एजुकेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को ना छूकर हमारे राहुल जी के विषय में बोलते रहते हैं। आप बोलिए आप जो भाषा का इस्तेमाल किए हैं वो एक पढ़ा लिखा और सभ्य समाज के लिए कितना घातक है, जबकि हम अंडमान में सब मिलजुल कर हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर एक फूल की माला की तरह रहते हैं, आप उसको तोड़ने का साजिश करते हैं। ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब हमारी तरह लोग कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता अंडमान में हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब तक जीवित है आप हम ये होने नहीं देंगे। तो मैं विष्णु जी को मैं आगाह करती हूँ, आप जो भाषा का उपयोग करते हैं आप खुद ही बैठ के सोचिए ये
एक सभ्य आदमी के लिए शोभा नहीं देता। एक सांसद जिसको हम चुन के भेजते हैं उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। मेरा ख्याल से उनका मानसिक संतुलन जो है खो चुका है। जब भी वो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ मीडिया के सामने मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत उसका अर्थ बहुत मैं क्या बोलूँगी, मुझे बहुत आहत हो रहा है वो शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। मैं प्रशासन से भी और पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अफसरों से मैं गुहार करना चाहूँगी कि इस इंसान के ऊपर में एक FIR लॉन्च करें कि दोबारा इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि इससे सारे समाज को उन्होंने एक विषैला करने का कोशिश किया है, एक जहर उगलने का कोशिश किया है जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मैं विष्णु जी से यही अपील करना चाहूँगी, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको आप वापस लें और माफ़ी मांगे। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, आपके बोलने से कांग्रेस पार्टी का मुर्दाबाद नहीं होगा। और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज जो जीवित है वो आपका सपना को चकनाचूर कर देगा। आप ये कोशिश कभी नहीं कर सकते कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का कोशिश जो कर रहे हैं ना, आज जो जहर घोलने का, आप देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ ऐसा कोई दीवार नहीं है मजहब का, सब मिलजुल कर एक दूसरे का त्यौहार में जाते हैं। आज हमारे विष्णु जी का मन में पता नहीं क्या है उनका, एक जहर उगलते रहते हैं। जब से इलेक्शन जीता उन्होंने, लोगों ने बहुत कोशिश के साथ उनको बनाया, हम भी उनको बधाई देते हैं, भाई हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सांसद है, कुछ अच्छा काम करेंगे। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन किया लोगों ने। लेकिन आज देखिए, आज इतना सारा मुद्दा उसके विषय में वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जबकि हमारे मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हो रहा है? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। आज जो विनाश करने का जो कोशिश है जो कर रहे हैं हमारे विष्णु जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल मत करिए और आप माफ़ी मांगिए। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है हमारे प्रिय नेता राहुल जी के विषय में, उस भाषा को आप वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए। मीडिया के सामने आकर आप माफ़ी मांगिए कि मेरे से गलती हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे अध्यक्ष और हमारे कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे और इसका बदला हम लेंगे, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जुझारू है, वो अपना बात रखने में सामर्थ्य है। हम इस तरह पीठ पीछे किसी के विषय में, हमारा कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी के विषय में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जो कि विष्णु जी ने कहा है। मैं आप लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग इतना छोटा समय में, बहुत कम समय में आप यहाँ पर आए, फिर से आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और प्रशासन से मैं गुहार करना चाहूँगी कि इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले और विष्णु जी से भी मैं अपील करूँगी कि इसके लिए माफ़ी मांगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि काफ़ी न्यूज़ चैनल में हम लोगों ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद राय जी काफ़ी कुछ दिनों से अनाप शनाप इस द्वीप समूह के अंदर पब्लिक के बीच में जाके बोल रहे हैं। और कल रात को हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा था, उसमें इस द्वीप समूह का सांसद विष्णुपद राय, हमारे लोकप्रिय नेता, पार्लियामेंट का अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर पब्लिक के बीच में बोल रहे थे। विष्णु जी का एक वर्डिंग था हरामी। अब हम कांग्रेस पार्टी विष्णु जी से सवाल करना चाहते हैं, ये हरामी बात आप किसको कहा, ये हरामी बात का मतलब क्या है, ये हरामी का मतलब आपका जहन में, आपका सोच में ये हरामी का वर्डिंग क्या है, ये आपको पब्लिक के बीच में आके बोलना पड़ेगा कि हरामी शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। राहुल जी को वायनाड के लोगों ने चुनकर सांसद बनाकर भेजा है और अपोजिशन के लोग उसे अपोजिशन का नेता घोषित किया है। आज राहुल जी सिर्फ एक सांसद नहीं है, राहुल जी एक अपोजिशन का नेता है। अगर विष्णुपद राय जी, अगर राहुल जी के बारे में इस तरह का हरामी वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है मैं MS साजिद, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हरामी बोल सकता हूँ। क्यों मैं यह बात बोल रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के सांसद रंगलाल जी ने आज एक FIR लॉन्च करने जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी आज थाना बड़ीन में FIR लॉन्च करने जा रहा है, उनके साथ हम लोग भी जाएंगे कि जिस प्रकार से गलत बात
विष्णुपाद राय जी ने राहुल जी के बारे में बोला है उसके ऊपर में FIR हो, और हम भी चाहते हैं कि विष्णुपाद राय के ऊपर में FIR हो, क्योंकि अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट विष्णुपाद राय के ऊपर में FIR लॉन्च नहीं करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट ये भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्शन में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर में काम कर रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट विष्णुपाद राय जी के ऊपर FIR लॉन्च करता है तो इसका मतलब रहेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट फेयर है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से करता है, क्योंकि विष्णुपाद राय जी ने बंद रूम में आके राहुल जी के बारे में गाली गलौज नहीं किया, विष्णुपाद राय जी ने पब्लिक में गाली गलौज किया और पब्लिक में जो बात उन्होंने कहा वो सारे न्यूज़ चैनल में आज पब्लिश हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट विष्णुपाद राय जी के ऊपर में FIR लॉन्च नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी उतरेगा, कांग्रेस पार्टी लाठी भी खाएगा, कांग्रेस पार्टी टीयर गैस भी खाएगा। जब तक विष्णुपाद राय जी अपना हरकत से बाज नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी उसे छोड़ने वाला नहीं है, और अंत तक इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट भी जाएंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर विष्णुपाद राय जी के ऊपर में FIR लॉन्च नहीं करेगा तो हम लोग कोर्ट जाकर हम लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इस तरीका का अपमानबाज जो राहुल जी के ऊपर में विष्णुपाद राय जी ने किया है कभी सहन हम लोग नहीं करेंगे। आज अंडमान में सड़क नहीं है, अंडमान में बिजली नहीं है, अंडमान में पानी नहीं है, अंडमान में शिक्षा नहीं है, अंडमान अस्पताल का हालत खराब है। इन सारे मुद्दे को विष्णु जी छोड़ गए। चुनाव से पहले कहा था कि हम MP बनेगा तो दो दिन में गवर्नर को हटाएगा। आज चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक किसका है? BJP का है। उसके बावजूद भी आज दो दिन आपका हुआ नहीं। पब्लिक में जाकर झूठे झूठे वादा कर झूठे झूठे जुमला देकर आप सांसद बन गए, लेकिन जो मैंडेट BJP को पब्लिक ने दिया था उस मैंडेट आपने खड़ा उतरा। आज देश का प्रधानमंत्री एक दिन नोटबंदी कर देता, सरकार जो चाहेगा एक दिन में कर देगा। क्या विष्णुपाद राय BJP का सांसद है? क्या विष्णुपाद राय बात का मोदी जी नहीं सुनता, अमित शाह जी नहीं सुनता? अगर आप दो दिन टाइम मांगा तो हम लोग आपको एक हफ्ता टाइम दे रहा है। अगर एक हफ्ता वहाँ गवर्नर कब चेंज कराता है तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ विष्णुपाद राय जुबान का पक्का आदमी, उसका बात तो दिल्ली में सुन रहा है। अगर एक हफ्ता में अगर LG चेंज नहीं होगा तो पब्लिक भी ये समझ जाएगा कि हाँ विष्णुपाद राय झूठा आदमी है, विष्णुपाद राय सड़क छाप आदमी है। क्योंकि आज एक सड़क छाप का जो मतलब है उन्होंने बसंतीपुर में जाकर दिखा दिया, जो पब्लिक के बीच में गलत बात कर। तो मैं बहुत रिक्वेस्टफुली विष्णु जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गलत बात आपने पब्लिक में किया था उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, अपना माफ़ी मांगिए। अगर दो दिन के अंदर में विष्णु जी पब्लिक में आके माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर हम लोग कांग्रेस पार्टी उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं है। अगर विष्णु जी कोई भी तरफ जाएगा, अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता से सवाल पूछेगा, अगर वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। उसी को लेकर आज हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर दे रहा है कि इमीडिएट FIR करिए, उन्हें रोकिए। जिस प्रकार से गलत गलत बात पब्लिक में जाकर करता है उन्हें रोकिए। आज पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता? सो मोटो अभी पुलिस की जिम्मेदारी बनता था कि सो मोटो को तेरे FIR लॉन्च करना था, क्योंकि जिस मीडिया में आ चुका है। आज कांग्रेस पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हजारों पब्लिक देख लिया है कि विष्णुपाद राय ने क्या वर्ड का इस्तेमाल किया है। आज CID क्या कर रहा है? CID का काम थोड़ी ये होता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या प्रोग्राम होता है वो हाईकमांड को भेजना, BJP में क्या प्रोग्राम होता है वो हाईकमांड को भेजना, वो काम CID का नहीं है। CID का काम ये होता है कि यह काम है गलत काम होता है, कौन नेता ने क्या गलत वर्ड का इस्तेमाल किया है वो अपना हाईकमांड तक पहुँचाना। अगर CID ने एक बात को हाईकमांड तक पहुँचाया है कि हाईकमांड सो रहा है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा था सो मोटो को तहत FIR लॉन्च करना विष्णुपाद राय के ऊपर में, आपने सो मोटो नहीं किया। हल्दार जी की तरफ से, रंगलाल जी की तरफ से हम लोग FIR लॉन्च करने के लिए जा रहा है। अगर इसमें भी FIR लॉन्च नहीं हुआ विष्णु जी के ऊपर में तो हम लोग कोर्ट जाकर कोर्ट की तरफ से खटखटा कर FIR लॉन्च करवाएंगे, जिससे कि फ्यूचर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेफ रहे। क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं क्रिसमस डे मनाता हूँ, मैं गणेश पूजा भी मनाता हूँ, मैं दुर्गा पूजा भी मनाता हूँ, और जब मैं स्कूल और कॉलेज में था हम लोग सरस्वती पूजा भी बनाया है। तो इस चीज़ को ख़राब करने का काम इस द्वीप समूह में आप ना करें। हम लोग सब भाईचारा से रहता है। ईद के दिन मेरा घर हिंदू भाई आता है,
दिवाली के दिन हम हिंदू भाई के घर जाता है, क्रिसमस के दिन हम हिंदू क्रिश्चन भाई लोग के घर जाता है। तो हमने जो भाईचारा बना अंडमान में रखा है, ये भाईचारा को ख़राब करने का मत करिए। देश में बीजेपी क्या करता है उसको लेकर अंडमान में करने का मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बढ़िया बढ़िया।